We are in English language class and today I will do exercise of lesson 6, the spelling says. Spelling says. Section A, comprehension. We had done some question in previous class. Today I will do onward of A. क्या रहे बच्चों, हम लोग अभी इंग्लिश के क्लास में हैं और हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक कम्प्रीहेंशन का ए टू का कुछ क्वेश्चन 1, 2, 3 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड द पिग टेल नॉट मूव। पिग टेल क्यों नहीं मूव किया, एक जगह से दूसरी जगह क्यों नहीं गया, जबकि वो सेज चाह रहे थे, साधु चाह रहे थे कि मेरा पिग टेल जो है, मेरी चोटी है, एक चोटी एक जगह यहाँ पर से दूसरी जगह चली जाए। तो आमतौर पर देखिएगा, कोई भी आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी है, कोई भी जिस्म का हिस्सा है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं हो सकता। हाँ, मूव होगा, या तो वो रिप्लेस हो जाएगा, वापस से हट जाएगा, तो इससे आपको नुकसान पहुँचेगा। तो फिर ये चोटी कैसे मूव करती है, इसी को हम लिखे देखिएगा। एवरी पार्ट्स ऑफ बॉडी आर फिक्स्ड ऑन इट्स राइट प्लेस। बॉडी का हर पार्ट जो है अपनी सही जगह पर फिक्स है, इस स्थापित है। यू कैन नॉट मूव और रिप्लेस इट। हम इसे ना तो रिप्लेस कर सकते हैं और ना मूव कर सकते हैं। पिगटेल प्लेस इज बिहाइंड। पिगटेल का प्लेस कहाँ है, पीछे है। सो इट नॉट मूव टू फेस। सो ये फेस पर मूव नहीं किया, फेस पर नहीं है इसका। पिगटेल का जो है जगह है वो पीछे रहेगा, तो फेस पर कैसे आ सकता है, तो फेस पे नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द पिगटेल नॉट मूव। आंसर इज, एवरी पार्ट्स ऑफ बॉडी आर फिक्स्ड ऑन इट्स राइट प्लेस। वी कैन नॉट मूव और रिप्लेस इट। पिगटेल प्लेस इज बिहाइंड, सो इट नॉट मूव टू फेस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, हाउ इज द सेज इन द पोएम डिफरेंट फ्रॉम सेज यू हैव हर्ड और रीड अबाउट। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि कैसे वो सेज जो आपको पोएम में बताया गया है वो अलग है, जैसा कि आपने सेज के बारे में पढ़ा है या सुना है, उससे कैसे वो अलग है। तो देखिए, आम तौर पे सेज जो होता है, सेज साधु, वो चतुर होते हैं, तेज होते हैं, समझदार होते हैं, विद्वान होते हैं, ये हम लोगों ने सुना है। लेकिन यहाँ इस द स्पिनिंग सेज में जो ये है सेज है, जो ऋषि है, उनका चरित्र, वो उनका जो एक्टिविटी है, वो उनकी बेवकूफ़ी को दिखाता है, इसलिए वो हम लोगों ने जो सुना जो पढ़ा उससे वो डिफरेंट है। तो इसको आंसर को हमने लिखा इस तरह से, इट इज सेइंग दैट सेज आर वेरी वाइज पर्सन बट द सेज इन द पोएम इज डिफरेंट बिकॉज ही शोज फुलिशनेस। क्या है क्वेश्चन, हाउ इज द सेज इन द पोएम डिफरेंट फ्रॉम सेज यू हैव हर्ड और रीड अबाउट। आंसर इज, इट इज सेइंग दैट सेज आर वेरी वाइज person but the says in the poem is different because he shows foolishness from his activity। उसने says ने अपने activity से अपनी मूर्खता को दिखाई। That's all today class, thank you, we will meet in next class, thank you।